जो भी डिसीजन हमको लेना है आगे लाइफ में, तो क्या हम अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने? दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, यानी एक तरह का एक डिबेट होगा। आप दोनों में से कोई भी साइड ले सकते हो, आप दिल की साइड में जा सकते हो, दिमाग की साइड में, दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। तो आप कुछ बोलोगे जो भी बोलना चाहते होंगे, फिर दूसरे जो होंगे उनको उन्हीं का जो आर्ग्यूमेंट है उसको काउंटर करना होगा। जैसे उस बंदे ने कहा कि नहीं हमको दिल की सुननी चाहिए, देन काउंटर आर्ग्यूमेंट जिसके पास में होगा वो बोलेगा या बोलेगी। पीछे से वहां से शुरू करते हैं, द वन विद द स्पेक्स। हाँ, आप हमको दिमाग की सुननी चाहिए, क्योंकि जब हम दिल से डिसीजन लेते हैं तो हम इमोशनल जाते हैं, तो वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। दिमाग की सुनते हैं तो फिर हम सारे प्लस नेगेटिव सब कुछ लाइक उनको गौर करते हुए डिसीजन लेते हैं, तो दैट्स बेटर अकॉर्डिंग टू मी। मतलब इमोशंस में बह करके हमको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यस, बिकॉज दिमाग लगा करके लॉजिकली सोच करके फिर डिसीजन लेना। यस सर, हमें दिल की सुननी चाहिए क्योंकि आपको फिर ही पता चलेगा कि आप उस वर्क को फील करते हो या नहीं करते हो। अगर आप ब्रेन से डिसीजन लोगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ उस काम को आप कर सकते हो, लेकिन आपको फिर बाद में अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बाद में आप उस वर्क को फील कर पा रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या उसमें मिल रहा है आउटकम, जो भी बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीलिंग्स। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर हम अपने सिर्फ दिमाग की सुन करके कोई डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है हम वो डिसीजन तो ले लें दिमाग वाइज, मतलब हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी हो जाए, लेकिन हमको उसमें अच्छी फीलिंग ना आए। यस सर, यस सर। सर दिल की सुनेंगे तो दिल कभी इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हमें दिमाग की सुननी चाहिए और हमें एक करेक्ट आंसर मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और दिल का तो क्या है, वो कभी इधर कभी उधर। दिल तो बच्चा है जी। यस है ना। हाँ यस, दिल मतलब हमको भटकाता रहता है, भटकाता रहता है। एक मिनट में कुछ आता है दिल के अंदर, अगले मिनट में कुछ आता है, अभी कुछ अच्छा लगने लग जाता है, कल थोड़ी देर बाद बुरा लगने लग जाता है। इंटरेस्ट ही समझ नहीं आता है, इंटरेस्ट भी बदलता रहता है। हाँ, दिल की अभी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है जब तक सोच रहे होते हैं, फिर करते हैं तो बोरिंग लगने लग जाता है। ऐसा होता है दिल के केस में? नहीं होता है सर, बिल्कुल। हाँ ठीक है, मेरा मानना ये है कि आप अपने दिल की सुनो। आज आप लोग अपनी प्रोफेशन इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, मैटर उनको बस क्या करना है, पैसा कमाना है। पैसे के लिए कोई प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। मैंने लॉ चूज करा है क्यों? क्योंकि मुझे उस फील्ड में जाना है, जो गलत हो रहा है उसके लिए लड़ना है मुझे, जो करूंगी उसे पैसा आएगा, ऑब्वियस ही बात है। जब मैं अपने दिल से करूंगी ना तो कोई पैसा आने से रोक नहीं सकता मुझे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अगर हमें लाइफ में कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो हमें सीखना पड़ेगा, एंड सीख हम अपने दिमाग से ही सकते हैं। इन ऑर्डर टू ग्रो वी हैव टू कीप लर्निंग इन लाइफ, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सर जैसे कि लोग बोलते हैं कि सर दिल पागल होता है, लेकिन सर दिल पागल होता है और पागलपन में ही इतिहास रचा जाता है। सर जैसे कि सर मैं अभी जब आपका मैसेज आया था, मेरे आपके उससे मैसेज आया था, तो मेरे घर में आज किसी को नहीं पता है कि मैं यहाँ रखा हूँ, सिर्फ मेरे ब्रदर को पता है, मेरी मॉम एंड डैड को ये पता हुआ है कि मैं किसी की दोस्त की मैरिज में गया हूँ। ये पता है सर। आप झूठ क्यों बोलना पड़ा आपको मेरे से मिलने के लिए? मैं गर्लफ्रेंड हूँ आपकी। सर अभी मेरी जो नहीं, वैसे आई एम जस्ट ट्राइंग टू। सर आप मेरे लिए सर भगवान से भी बढ़कर हो सर, मैं सर आपसे मिल ना पाता अगर मैं अगर दिमाग की सुनता। अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ है, यस सर, वो आप चाहते हो हम वीडियो में दिखाएं वो? सर बिल्कुल सर, क्योंकि आपके घर वाले भी हो सकता है देख लेंगे। दैट इज ओके। मैं हाथ ऊपर कर रहा था सर अभी। क्या मैंने सुना नहीं क्या? सर हैंड्स अप में अभी तक इसलिए तो कर रहा था कि सर मतलब कि सर वीडियो में आना है। हाँ वीडियो में आना है। तो घर पे थोड़े बहुत जूते पड़ेंगे, पड़ जाएंगे सर, क्या पड़ जाएंगे सर, लेकिन एटलीस्ट घर वालों को उस जूते मारने में भी सर खुशी हो मिलेगी कि सर मेरा बेटा कुछ करके आया है सर। हाँ, कहीं पे जाकर करके आया है कुछ। यस, अब आपका जरूर रखेंगे इसमें, एडिट नहीं करेंगे। सर मैं उस लड़के के पॉइंट से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। किसके किसके? एक मिनट पहले दिखाओ सर, जिसने बोला कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। आप एक बार खड़े हो जाएंगे, इनको भी माइक दे दो। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहे थे, मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं मान रही थी, आधा घंटा चकचक की है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। और मैंने उन्हें सारे पॉइंट्स बताए, बिल्कुल मनाया और वो मान गए, क्योंकि कुछ मैं गलत नहीं कर रही हूँ और बिल्कुल मैं नहीं मानती उनके पॉइंट को। और बस मैम आपसे एक क्वेश्चन था मेरा मैम, आपको अब आया पंटर लोगों को मजा। बोलिए, आपको अपने दिल से ड्रीम आया था कि आपको संदीप सर से मिलना है, ठीक है, और आपका दिल कर रहा था आपको संदीप सर से मिलना है, तभी आप यहाँ आए हो, आपने दिमाग की नहीं सुनी, दिल की सुनी। इसको थोड़ी पता चलेगा दिल से सोचना है तो सर। मैम आपका आने का मेन जो पॉइंट था वो सर आपका हार्ट था, कि आपको हार्ट से फीलिंग थी कि संदीप सर से मिलना है, तो तभी तो सर
हार्ट आया ना पहले, तो बाद में माइंड आया कि माइंड से आप माइंड से पड़ेगा ना, हाँ माइंड से पेरेंट्स को मनाया आपने, लेकिन आपको जो अंदर से मेरे आगे क्यों करना है, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ। सर मैं इनके पॉइंट से भी एग्री नहीं करती हूँ, इन्हें कहा करके मुझे लॉ करने। अरे एक मिनट तो हर तरफ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हाँ अब आप माइक छोड़ दो, एक बार उनको माइक दिया जाए जिनसे वो एग्री नहीं करती है। हाँ आप क्यों नहीं इनके पॉइंट से एग्री करते? सर इन्हें कहा करके मुझे लॉ करना है और मेरा दिल करता है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो सर अगर इन्हें लॉ करना है, इनका दिल करता है उसे करने का, तो क्या पॉइंट था? मैं इंजीनियर सर मैं बताती हूँ, मैं इंजीनियरिंग करने जा रही थी, बट मैंने चूज करा, मेरा उस टाइम पे काउंसलिंग भी चल रहा था, बट आई विल चेंज माय डिसाइड कि मैं लॉ करूंगी क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। उसी टाइम पे मैं गिव अप करा और मैंने चूज करा, आई विल तैयारी कर, मुझे याद आ गया। हाँ तो सर एक मिनट देखते हैं, दिल है अगर मैं नहीं, माइक थोड़ा पास कर लो, माइक पास। हाँ सर मैं नहीं चाहती कि इनका फुलफिल ना हो पाए ड्रीम, लेकिन अगर नहीं हो पाते सर तो फिर दिल पूरा टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, दिमाग भी काम नहीं करेगा फिर दिल भी काम। वो कह रहे हैं नहीं टूटेगा, आपका क्या कहना है इस बारे में? आई विश कि तुम्हारा ड्रीम फुलफिल हो जाए। हमें जवाब चाहिए। आई विश कि इनका ड्रीम फुलफिल हो जाए, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है तो सर मैं जानती हूँ मेरे पास भी दिल है, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बट वो तो इंजीनियरिंग के केस में भी होगा। एक मिनट बट अगर आप कह रहे हो कि अगर इनका नहीं हो पाया तो दिल टूट जाएगा, बट वो तो अगर ये दिमाग की सुन के इंजीनियरिंग करती और वहाँ नहीं होता, वहाँ भी मर जाती। अच्छा वहाँ तो मरी जाती। नहीं मरो मत वो ज्यादा की अपने दिल की सुनो, और जो मेरा दिल कहेगा टूट भी जाएगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मिलेगा नहीं मिले, बट मैंने वो किया जो मुझे करना था जिंदगी में, एटलीस्ट वो तो किया जो करना चाहती थी। हाँ सर ये बात सही है। चलो फाइनली आपने अब अच्छे लॉयर बनने वाले हो, आप ये केस जीत चुके हो लॉयर बनने से पहले ही। अरे वाह, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी तारीफ, मुझे भी करनी है आपकी तारीफ। आपके एक बच्चे ने मुझे मोटिवेट किया था उस चीज के लिए। एक मिनट, मेरे बच्चे ने आपको मोटिवेट किया? सॉरी, मतलब आपको कैसे बताऊं, मेरा बच्चा था। दिल बोले लांछन लगा रहे हो आप, मतलब बिना किसी लीगल प्रूफ के आप एक भोले भाले इनोसेंट इंसान पे आप नहीं वकील साहिबा ये सही नहीं है। मतलब कि आपका ही मतलब वो था, मतलब मैं समझ गया, मेरा कोई मतलब किसी ने अटेंड किया होगा। हाँ, उसने मुझे बताया, उसने आपको बताया कि रियल फिर? क्या है मतलब आप 40,000 की नौकरी करोगी तो उससे बेटर है कि उसमें तुम्हें सेटिस्फेक्शन होगा, और पैसा मतलब हर चीज नहीं होती है लाइफ में। तुम मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में दूसरों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो लॉ इज अ गुड फील्ड फॉर मी। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर बोथ ऑफ देम। अभी जितना भी ये इसको हम डिस्कशन कहें, आर्ग्यूमेंट कहें, डिबेट कहें, जो भी हुआ है उसमें आपने कोई चीज ऑब्जर्व करी है? क्या इस पूरे डिबेट में एक कंफ्यूजन नजर आ रहा है यहां पर आप? ये मैंने क्यों किया, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता था। तो प्रैक्टिकली अभी आपने क्या समझा इस सबके थ्रू? कंफ्यूजन, कि बहुत कंफ्यूजन है। किसी ने दिल की साइड ले ली, किसी ने दिमाग की ले ली, किसी ने दिल को आगे कर दिया, किसी ने दिमाग को आगे कर दिया। क्या किसी ने भी कभी भी बैठ करके अपने आप से सवाल पूछा कि दिल का मतलब क्या और दिमाग का मतलब क्या? बीच बीच में आपने सुना होगा बहुत लोगों ने बोला दिल से सोचते हैं, क्या दिल सोचता है या दिल धड़कता है? तो दिल की आवाज मतलब क्या? मन की आवाज। व्हाट इज मन की आवाज, व्हाट इज मन? मतलब वी आर यूजिंग टू मेनी वर्ड्स बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। समझ पा रहे हो? मन, मन मतलब क्या, और मन में और दिमाग में क्या फर्क है? मन इनर वॉइस है। अच्छा मन इनर वॉइस है, सारी वॉइसेस इनर ही तो होती है, आउटर वॉइस कौन सी होती है? थॉट आउटर होता है क्या? क्या मेरे थॉट्स को आप देख पा रहे हो? सो व्हाट डू वी मीन बाय इनर वॉइस एंड आउटर वॉइस? दिल मतलब क्या, दिमाग मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप देखो, दिल मतलब फिजिकल एक ऑर्गन है जिसको हार्ट बोलते हैं, उसका काम क्या है? धड़कता है, और वहां से क्या होता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है, हमारे जो और सारे ऑर्गन्स है वहां पर, तो उसका काम है ब्लड को सर्कुलेट करना। ब्रेन नाम की एक चीज है हमारे पास में, ब्रेन का काम क्या है? सोचना। ब्रेन को एनर्जी कहां से मिल रही है? वो जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है वहां से एनर्जी मिल रही है। क्या इन सब बातों को कोई चैलेंज कर सकता है? तो हम स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ना? ठीक है।
इस नेचर की एक इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से सारे काम अपने आप हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपको खुद नहीं करने पड़ रहे हैं। डाइजेशन होता है, होता है आप में से कितने लोगों का डाइजेशन काम करता है? कर रहा है ना? हाँ ठीक है, ब्रेथ ब्रेथ चल रही है, सब ठीक है ना? हाथ लाके चेक कर लोगे डाउट। तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? सोच के करते हो? नहीं। क्या सोच के अपनी ब्रेथ चला रहे हो? नहीं। अगर ये डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाए, आपकी सोच को दे दिया जाए, भूल जाओगे ब्रेथ लेना। अरे भूल गया, अब कहाँ है, लाश को ठिकाने लगाओ और क्या करोगे? तो ये डिपार्टमेंट किसका है? ये जो हार्ट पंप हो रहा है, इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपकी ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन बाकी के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही है, नाखून अपने आप बढ़ रहे हैं, बाल अपने आप बढ़ रहे हैं, हाइट अपने आप बढ़ रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, खाना खा रहे हो अपने आप ही डाइजेस्ट हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? क्या ये सोच करके हो रहा है? वहां पे क्या दिल की आवाज, क्या दिमाग की आवाज, कोई आवाज ही नहीं है, सब कुछ बिना आवाज के हो रहा है। समझे मैंने क्या कहा है? आवाज मतलब थॉट, बिना सोचे ये सारे काम अपने आप हो रहे हैं, इसको आप बोल सकते हो नेचर की इंटेलिजेंस। तो ध्यान से समझो, अब ये दिल की आवाज, दिमाग की आवाज, ये सब मतलब क्या? हमारे अंदर कुछ इंफॉर्मेशन फीड करी जाती है बचपन से ही। क्या विदाउट इंफॉर्मेशन कैन यू थिंक? आपका दिल छोड़ो, दिमाग भी क्या सोच सकता है बिना इंफॉर्मेशन के? ये सब फंडामेंटल इंटरेस्ट है आप लोगों का, है? इसको बोलते हैं समझ लेना। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आई एम नॉट टू श्योर आप में से कितने लोग देख पा रहे हो, क्योंकि ये बातें दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेंगी आपको, ये खुद देखनी पड़ती है। और अगर इस तरह से आपको देखना आ गया तो बड़ा कमाल का कुछ हो सकता है, फिर ऐसा माइंड होगा जो एब्सोल्युटली क्लियर होगा, जो सीधा क्लियरली देखेगा बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो ये जिसको आप सोचना बोलते हो वो किसके बेस पे होता है? इन पांच सेंसेस के थ्रू कुछ अंदर फीड होता है, कुछ दिखता है, कुछ सुनाई देता है। कैसे फीड होना शुरू हुआ? कुछ अल्फाबेट्स दिखे, ए बी सी, उसकी ऐसी फिगर होती है, ये होता है, ये फॉर्म है, ये है, ये सब अंदर फीड नहीं होगा, इसको इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। गूगल पे जो हम सर्च करते हैं वो सब क्या है? इन्फॉर्मेशन। जो भी आप सोच रहे हो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। तो इसमें दिल और दिमाग को बीच में घुसाने की क्या जरूरत है? यू टॉक अबाउट पैशन, वॉट इज पैशन? कैन यू बी पैशनेट अबाउट समथिंग जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है? सुना मैंने क्या बोला? यू सी आई एम पैशनेट अबाउट वट एवर दैट थिंग इज, मे बी लॉ। तो अगर उस लॉ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, कोई इंफॉर्मेशन ही अंदर नहीं होती, तो वहां पे पैशन का तो सवाल ही नहीं उठता। कैन यू बी पैशनेट अबाउट समथिंग जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है? किसी ऐसे करियर के बारे में जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, कैन यू बी पैशनेट अबाउट इट? तो पैशन कहां से पैदा होता है? इंफॉर्मेशन जो अंदर फीडेड है। क्या वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या लिमिटेड है? लिमिटेड है। इस सच को देख पा रहे हो? यू थिंक ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यू फील ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको ना बताया जाए कि ये जो सामने लेडी है ये आपकी माँ है, तो इमोशंस कहां है? मेमोरी चली जाए तो इमोशंस कहां है? याददाश्त चली जाए, अभी आपके सर पे एक मारा जाए तो याददाश्त गई, कहां है इमोशंस? तो इमोशंस का ग्राउंड क्या है? थॉट्स का ग्राउंड क्या है? देखते एकदम से थॉट आता है, इसको देखते हो थॉट आता है, उस थॉट का ग्राउंड क्या है? इंफॉर्मेशन जो पास्ट में आपने उससे रिलेटेड कलेक्ट करी हुई है, जो अंदर फीडेड है। तो अब हमारे आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, अब हम एक्ट कैसे करें? वी कांट एक्ट, वी कांट थिंक विदाउट इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन जहां से भी आ रही है, जो भी आपके अंदर फीडेड है, वो सब उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई सेल्फिश मोटिव है। कोई इंस्टीट्यूट है वो आपको कह रहा है कि हमको ज्वाइन कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि उनको आपकी पड़ी है, ऐसा लगता है आपको? या उनके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो कि हमारे इंस्टीट्यूट में अब इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हैं, इतने की हमारी सेल हो गई, इतने का ये, उनके लिए आप सिर्फ एक नोटों का बंडल हो। कड़वा लगेगा सुनने लेकिन सच है, समझे? और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप एक्ट करोगे, नो मैटर वो कितनी मीठी मीठी बातें आपसे कर रहे हैं, नो मैटर वो आपके माइंड के साथ कितना खेल रहे हैं, तो कैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में? पूरी लाइफ ऐसी जीनी है? इन द प्रेशर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको आप प्रेशर ऑफ इंफॉर्मेशन कहो, इसको स्ट्रेस कहो, इसको ओवर थिंकिंग कहो, इसको थिंकिंग कहो, सो कॉल्ड थिंकिंग।
ओरिजिनल थिंकिंग है कितने लोगों के पास में इस दुनिया में? सब सेकेंड हैंड थिंकर्स है। थॉट्स में ओरिजिनलिटी है कहां पर? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। सो योर लाइफ, आर एंटायर लाइव्स आर ड्रिवन बाय दिस इंफॉर्मेशन। तो आप कैसे डिसीजंस लें अपनी लाइफ में? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है हमारी लाइफ में। अब डिसीजन कैसे लें? डिसीजन तो लेना ही है ना। अब आप वहां पे चाहे दिल की आवाज कहो चाहे दिमाग की आवाज कहो, क्या दिल की और क्या दिमाग की। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ में बैठ जाऊं चार दिन तक और आपको अच्छे अच्छे मीठी मीठी कोई सपने दिखाता रहूं किसी पर्टिकुलर करियर से रिलेटेड, तो क्या वो आपका पैशन बन जाएगा चार दिन बाद या नहीं बनेगा? बन जाएगा। उसको सुनते एकदम अच्छे से इमोशंस नहीं आने लग जाएंगे? अरे यार ये बड़ा सही है, मुझे तो यही करना है। इसको आप बोलते हो दिल की आवाज। बट क्या वो आपके लिए एक्चुअल में सही है? शायद हाँ शायद ना। आ गया ना शायद? जब भी शायद आ गया तो समझ जाओ आप फैक्ट से हट गए। मेरे लिए फोटोग्राफी सही है। मैं आपको बैठ करके फैशन फोटोग्राफी के बारे में बताऊं कि देखो ये लाइफ होती है, ऐसे होता है, वैसे ये होता है, एक्साइटेड हो जाओगे। बट क्या वो आपके लिए सही है? शायद हाँ। डोंट से नो, समझे? डोंट से नो, हाउ डू यू नो? हो सकता है सही हो, सकता है ना हो। अब क्या करें? कैन वी लुक एट आवरसेल्फ्स विदाउट दिस बैगेज ऑफ इंफॉर्मेशन? ये मैं हूं, ये मेरी एक्चुअल में स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेसेस है। फिर वहां पे देखना होता है कि जो भी मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यू मस्ट बी हैविंग एन नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स, उसमें से आपने देखा ये मेरी चार पांच स्ट्रेंथ्स हैं जो बड़ी कमाल की है, इनको मिला करके, इन चार पांच स्ट्रेंथ्स को मिला करके क्या क्या करियर ऑप्शन है? अगर ये आपने ढंग से चूज किया, सोच समझ करके अच्छे से, और वहां पर आपने सक्सेस को अचीव किया, देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लाइफ की जो और साइड्स हैं, बिकॉज करियर एंड सक्सेस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ अगर ये है तो उसका एक छोटा सा पार्ट है करियर सक्सेस, ये वो। उसके अलावा जो कुछ है वो भी आपको नजर आने लग जाएगा। देन दिस होल इंफॉर्मेशन पुट टूगेदर, जो अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, दिस वुड बी लाइक अ डॉट इन योर एग्जिस्टेंस। तब आप इस पूरे यूनिवर्स में एक छोटी सी बॉडी नहीं होगे जो दिख रही है शीशे में, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके अंदर होगा। इस बात की डेप्थ देख पा रहे हो? Yes, sir. ये मैंने अभी बोला तो है, बट ये अभी आपके लिए एक थॉट है। इट विल नॉट बी अ थॉट, बट इट्स गोइंग टू बी अ लिविंग रियलिटी फॉर यू इन योर डे टू डे लाइफ। तब ये जो होने का मतलब है, ये जो आए हो आप यहां पर, वो पूरा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।